देवभूमि उत्तराखंड में बागेश्वर के उत्तरायणी मेले में चारों तरफ आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। भक्ति में डूबे हजारों लोग मेले में पहुंच रहे हैं और किसी घाट पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं तो किसी घाट पर धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। आस्था के इस मेले में भक्तों का उल्लास तब और बढ़ गया जब बागनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात की गई। एक तरफ बागनाथ मंदिर पर पुष्प वर्षा करता हेलीकॉप्टर है तो दूसरी तरफ मंदिर की घंटियों से गूंजता आकाश। आस्था और विज्ञान के संगम की ये तस्वीरें भगवान बागनाथ की धरती बागेश्वर की हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में इन दिनों धर्म और आस्था के रंग चारों ओर बिखरे हुए हैं। किसी घाट पर श्रद्धालुओं का स्नान जारी है तो कहीं पर अनुष्ठान चल रहे हैं। इसके अलावा मेले में लगे ऊंचे ऊंचे झूलों को देखने लोग खींचे चले आ रहे हैं। इस उत्तरायणी मेले में एक अनोखा बाजार भी लगा है जिसका आकर्षण का केंद्र है हिमालय क्षेत्र के भोटिया कुत्ते। ये भोटिया कुत्ते अपनी सूझबूझ और ताकत के लिए फेमस हैं। पहाड़ों में चरवाहे बकरियों को चराने के दौरान इन्हीं पर भरोसा करते हैं। हिमालयी क्षेत्र का कुत्ता ऊपरी क्षेत्र में ये एक ही अच्छे काम का है कि ये दो तीन कुत्ते एक साथ होते हैं, बकरियों की चौकीदारी करते हैं और ये इतने ताकतवर होते हैं कि बाघ से भी लड़ लेते हैं और बाघ को भगा देते हैं। बकायदा बाघों को मारने के और भगाने के किस्से रोज सुनने को मिलते हैं। हर साल गढ़वाल के जोशीमठ, माणा और कुमाऊं के मुनस्यारी, धारचूला और दुर्गम इलाकों से आए लोग भोटिया कुत्तों को यहाँ बेचते खरीदते हैं। हम ये गढ़वाल से विजिट करते हैं और जोशीमठ से माणा, मलारी, नीति और प्लस गढ़वाल, घेस, बलाण, बोर जो हिमालयी क्षेत्र होते हैं वहाँ से लेके आते हैं। इन कुत्तों को देखने और खरीदने के लिए यहाँ भारी तादाद में लोग पहुँचते हैं। इस दौरान यहाँ एक भोटिया कुत्ते की कीमत 5,000 से 20,000 रुपए तक देखने को मिल रही है। इसका प्राइस 10,000 रुपए स्टार्टिंग है, 10 से स्टार्ट है, 12,000, 15,000, 13,000, 20,000 तक यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है। मतलब इन सबके बीच मेले की रौनक बढ़ाते इस हेलीकॉप्टर को देखिए। बागेश्वर में श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की गई है। लोग हेलीकॉप्टर से बागेश्वर के मंदिरों और शहर की खूबसूरती को देख सकते हैं। उत्तरायणी मेला समिति की तरफ से 5 दिनों के लिए सुविधा की गई है। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग हेलीकॉप्टर का सफर करने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। बागेश्वर के लिए और हमारे पहाड़ के लिए कुछ अलग तो है और लोगों का एक सपना होता है कि हम कभी ना कभी एक बार जहाज में बैठे अपने शहर को ऊपर से देखने का शौक होता है, तो उस शौक को हमने पूरा कराने का काम किया है यहाँ पर। गुड न्यूज ये है कि मेला न सिर्फ बागेश्वर के लोगों के जीवन में आस्था और खुशियों के रंग भर रहा है बल्कि उन्हें हवाई रोमांच का अनुभव भी करा रहा है। जगदीश पांडे, बागेश्वर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात खेल के उत्सव की कर लेते हैं जिसका आयोजन मध्य प्रदेश के छतरपुर में हुआ। ये खेल उत्सव जरा हटके है। इस उत्सव की खास बात यह है कि इसमें केवल पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है और इस खेल उत्सव का मकसद देसी खेलों को बढ़ावा देना और बच्चों की इनमें रुचि पैदा करना है। ये कोशिश पारंपरिक खेलों को सहेजने की है। गिल्ली डंडा, पिट्ठू और लड़कियों के देसी खेल आज भी बच्चों के साथ साथ बड़ों को आकर्षित कर रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के छतरपुर में पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए 2 दिन के खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में एक और बड़े अपनी यादें ताजा करने के लिए मौजूद थे तो बच्चों ने इन देसी खेलों के जरिए जमकर मजे किए। आज की पीढ़ी ने अपने परंपरागत खेलों को टीवी और मोबाइल के दौर में खो दिया है, इसलिए इस आयोजन का एक उद्देश्य ये भी था कि इन खेलों से बच्चों का परिचय भी कराया जाए। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के और जो खेल विलुप्त होते जा रहे हैं, पारंपरिक खेल हैं, उनमें बच्चे ध्यान दें। चूंकि आजकल बच्चे अपने मोबाइल और टीवी में ज़्यादा लगे रहते हैं, हमारे जो खेल खेले जाते थे वो खेल हों, इसलिए हमने यहाँ पे गिल्ली डंडा, कंचा,
कस्सा कसी, चिटी धप, पिट्ठू। इस खेल महोत्सव में पतंगबाजी को भी खास महत्व दिया गया, क्योंकि इस खेल में क्या बच्चे क्या बड़े सभी ने शामिल होकर इसका मान बढ़ाया। हम सभी को बहुत अच्छा लग रहा है, एक अलग अनुभव मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पतंग उड़ा रहे हैं और यहाँ पे पतंग कटने का दौर और वापस उड़ाने का दौर कंटिन्यू हम लोग का जारी है। अभी तक मेरी 4 पतंग कट चुकी है और मैंने 1 पतंग काटी है कुल में। वक्त के साथ बच्चों के खेल भी बदले हैं, तकनीक भी खेल की दुनिया पर हावी होने लगी है, ऐसे में देसी खेल अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए इस खेल महोत्सव की हर तरफ तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।